नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा भंडार और भंडार प्रबंधन नीतियां, है ना, विदेशी मुद्रा भंडार और भंडार प्रबंधन नीतियां। तो देखिए विदेशी मुद्रा भंडार और भंडार प्रबंधन नीतियां 1991 से 92 में भारत के सम्मुख उत्पन्न गंभीर आर्थिक संकट से यह बात स्पष्ट हुई कि भुगतान संतुलन बोले तो ट्रेड ऑफ बैलेंस नहीं के संकटों से उबरने और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को बनाए रखने के लिए उपयुक्त विदेशी मुद्रा भंडार का होना एक आवश्यक शर्त है। देखो जी यहाँ पर आपके क्वेश्चन, अगर आप डिस्क्रिप्टिव अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए क्वेश्चन कि आप कैसे कह सकते हो कि भुगतान संतुलन के संकटों से उबरने और अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का होना आवश्यक शर्त है, कैसे आप कैसे सहमत बताइए। और देखिए ध्यान से सुनिए, इसका मतलब विदेशी मुद्रा भंडार भंडार प्रबंधन नीति हम लोगों को लेकर चलना चाहिए कि अरे सीधी सी बात, आप जिस घर में रहते हैं डेली 5-10 रुपया भी जमा करके रखे चुकनी में, कभी ना कभी आपका काम आ जाएगा। बात को समझिए, इसका मतलब आपको मुद्रा भंडार के रूप में रखना होगा, लेकिन ये बड़े लेवल की बात है तो सोच लीजिए। अभी आप देखो जो कोरोना काल में कितना संकट हुआ पैसे का, अब जो लोग जमा रखे थे वो काम आया, जो लोग नहीं जमा रखे थे तो गए काम। तो कहा जा रहा है कि इन बातों का ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडारों के निर्माण पर व्यापक रूप से ध्यान दिया है, जिससे कि चालू खाते में होने वाले घाटे और विदेशी मुद्रा संबंधी समस्याओं का भविष्य में सामना किया जा सके भुगतान संतुलन के पूंजी खाते से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों में विदेशी वाणिज्यिक उधार FCB ध्यान दीजिए, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों में विदेशी वाणिज्यिक उधार FCB, अनिवासी जमाए NRI डिपॉजिट्स वो अल्पकालीन ऋण शॉर्ट टर्म डेट्स प्रमुख हैं। भारत में निवेशकों के लिए बोले तो जो इन्वेस्टर है उसके लिए आकर्षक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य दिसंबर 2004 में रतन टाटा की अध्यक्षता में निवेश आयोग का गठन किया गया। बात पर फोकस कीजिए, क्या क्या बातें यहाँ पर दी जा रही है ना जी। तो यहाँ पर क्या बोला, क्या ध्यान दिया जा रहा है, जब 1991 से 92 का जो संकट हुआ तो यहाँ पर क्या ध्यान दिया कि रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडारों के निर्माण पर व्यापक रूप से ध्यान दिया, जिससे जो करंट अकाउंट होंगे चालू खाते में होने वाले जो घाटा होगा तो विदेशी मुद्रा संबंधी समस्या का भविष्य में सामना किया जा सके। तो देखिए क्या बोला गया कि घाटे और विदेशी मुद्रा संबंधी समस्याओं का भविष्य में सामना किया जा सके, भुगतान संतुलन के पूंजी के खाते से संबंधित तीन प्रमुख मुद्दों में विदेशी वाणिज्यिक उधार है ना, फॉरेन कमर्शियल, अनिवासी जमाए, अल्पकालीन ऋण प्रमुख है। भारत में निवेशकों के लिए जो इन्वेस्टर होंगे उसके लिए आकर्षक वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से 2004 में रतन टाटा की अध्यक्षता में निवेश आयोग इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया। अब देखिए पीटी लेवल क्वेश्चन कि निवेश आयोग जो है का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में, तो रतन टाटा, कब, 2004 में। उसका उद्देश्य क्या था, तो जो भी इन्वेस्टर है उसको आकर्षक करने के लिए ताकि वो इन्वेस्ट करे पैसा। आयोग का कार्य देश में औद्योगिक घरानों
और विदेशों में बड़ी कंपनियों के साथ बैठ के करके उन क्षेत्रों के लिए निवेश का मार्ग प्रशस्त करना है। निवेश का मार्ग प्रशस्त करना है जहां निवेश की आवश्यकता है किंतु अब तक निवेश नहीं हो सका है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? किंतु अब तक निवेश नहीं हो सका है। ठीक है, भारत को प्राप्त विदेशी सहायतों में अनुदानों बोले तो ग्रांट्स का हिस्सा बहुत कम रहा। साथ ही पिछले कई वर्षों में से कुल सहायता में रियायती सहायता कॉन्सेशनल असिस्टेंस का हिस्सा कम होता गया तथा भारत को उच्च ब्याज दरों का प्राप्त विदेशी वाणिज्यिक उधारों तथा इसी प्रकार के स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ी है। स्वाभाविक है कि इससे विदेशी ऋण की लागत बढ़ गई तथा विकसित देशों ने भी भारत से होने वाले याद के विदेशी ऋण की लागत बढ़ गई और विकसित देशों ने भी भारत से होने वाले आयातों पर अनेक व्यापार प्रतिबंध और नियंत्रण लगा रखे हैं। इन सभी कारणों से भारत का विदेशी ऋण बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं।